क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी। फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज मुंब्रा में दोपहर बाद एक इमारत में अचानक आग लग गई। ये भयानक आग रशीद कंपाउंड के पास पापा का नाका मुस्तफ़ा टावर के ग्राउंड फ्लोर में लगी। यहाँ जनरल स्टोर का एक गोडाउन था जिसमें बिस्किट, चिप्स, ऐसी कई चीज़ें थी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियाँ पहुँचकर आग पर काबू पाया है। किसी तरह की किसी की भी जानी नुकसान की खबर नहीं है, मगर आग से लाखों का सामान जलकर नष्ट हो गया है। बाहर से मैं लेटा हुआ था, खाना खाने के बाद में बीवी वगैरह हॉस्पिटल गई, तो बच्चों को लेकर लेटा था, बाहर से आवाज आई, वो अंगार लगी और थोड़ा धुएं के पास भी आया, तो मैं बाहर निकला। फौरन बाहर निकला तो यहाँ गली में भी एक वायर जल रहा था, तो फिर फौरन मैंने तीनों फेस अपना डिस्कनेक्ट कर दिया। अच्छा, कटआउट निकाल दी? जी हाँ, कटआउट निकाल दिया तीनों का। अच्छा, और फिर बाद में फिर वो रूम वाले को फौरन बुलवाया गया, फिर खोले तो अंगार अंदर लगी हुई दिखी, पूरा जल रहा था अंदर। अच्छा, और ऊपर जाके पानी भी छोड़ दिया उस लाइन का मैंने। अच्छा। वही दूसरी खबर मनपा कार्रवाई की है, जहां मनपा ने आज साहिल होटल के पास बने 2 गालों पर कार्रवाई की। रोड बेंडिंग के दौरान यहाँ दुकानें तोड़ी गई थी, मगर उसके बाद अब यहाँ पर एक अंडे की दुकान खोली गई थी। हालांकि दुकान मालिक ने बताया कि हमारी जगह थी, हमने दुकान बनाया था, मगर मनपा अधिकारी ने बताया कि बिना परमिशन के ये दोनों गाले बनाए गए थे, इसलिए इन पर कार्रवाई कर इसे तोड़ा जा रहा है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।